दोस्तों सहारनपुर से बाहर निकल के थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हो, फैमिली के साथ थोड़ी सी आउटिंग करना चाहते हो, तो चलो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ आपको जैन शिकंजी पे, जो है कोल की टोल प्लाजा से आगे। दोस्तों सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, और दोस्तों काफ़ी नीट एंड क्लीन और चकाचकिया रेस्टोरेंट भैया ने बना रखा है। भाई अंदर जाते भैया, पहले तो मैंने फेमस जैन शिकंजी वालों की शिकंजी का ऑर्डर दे दिया, इसके बाद मेन्यू पे से मैंने कुछ अच्छे से और बढ़िया से प्राइस वाले आइटम उठा ली, जिसमें तो पहले ये मिक्स पकोड़ा की प्लेट दोस्तों, मिक्स पकोड़े मैंने खाने शुरू किए और दोस्तों खाते खाते जब स्वाद में खो गया, तो उसके बाद दोस्तों जब ये शिकंजी मैं पी रहा था तो ओहो क्या कहूँ भैया, मैं तो बिल्कुल खो गया। इसके बाद दोस्तों अगला नंबर लिया मैंने पूरी की इस प्लेट का, जिसमें थे कद्दू की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और ये भैया चार पूरी। कद्दू की सब्ज़ी ट्राई की, उसके बाद आलू की सब्ज़ी ट्राई की, और दोस्तों उसको खाने के बाद तो समझ में आ गया कि भैया ये है बिल्कुल इंडियन भंडारे वाला स्वाद। और दोस्तों इसके बाद मैंने अगला नंबर लिया स्प्रिंग रोल का, मोमोज़ की प्लेट का, स्प्रिंग रोल मैंने खाए दोस्तों। स्प्रिंग रोल खाने के बाद दोस्तों मुझे तो भैया ये बड़े टेस्टी लगे, दो तीन तरह की चटनी भैया ने मुझे दी थी, साथ में फिर भैया किया पोस्टमार्टम मैंने इन मोमोज़ का, जिसमें थे एक ग्रीन वेजिटेबल वाले और एक थे दोस्तों पनीर के बिल्कुल भरे हुए। इसके बाद जब इन दोनों को खाया तो हो भैया मेरी फास्ट फूड की तसल्ली भी इन्होंने पूरी कर दी भैया। दोस्तों ये शिकंजी तो ऐसी है ना दोस्तों कि दो ग्लास भी पिलोगे तो आपका मन नहीं भरेगा। दोस्तों प्राइसिंग मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, बड़े रीजनेबल प्राइस और बड़ी अच्छी जगह है।